और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सीएम ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा में वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रदेश के 500 राज्य माध्यमिक विद्यालय में वर्चुअल क्लासरूम की शुरुआत की गई। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, उसमें सुधार होगा और इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। अभी तक जो हमने वर्चुअल क्लास के माध्यम से 500 स्कूल को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है और आज लगभग 150 स्कूलों को जोड़ दिया गया है और आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर जो 350 स्कूल बचे हैं इनको भी हम जोड़ देंगे और इस फर्स्ट फेज में 500 स्कूलों को हमने जोड़ा है जो माध्यमिक के स्कूल हैं। प्रदेश के 500 राज्य माध्यमिक विद्यालय में वर्चुअल क्लासरूम की शुरुआत की गई। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, उसमें सुधार होगा और इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। अभी तक जो हमने वर्चुअल क्लास के माध्यम से 500 स्कूल को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है और आज लगभग 150 स्कूलों को जोड़ दिया गया है और आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर जो 350 स्कूल बचे हैं इनको भी हम जोड़ देंगे और इस फर्स्ट फेज में 500 स्कूलों को हमने जोड़ा है जो माध्यमिक के स्कूल हैं। प्रदेश के 500 राज्य माध्यमिक विद्यालय में वर्चुअल क्लासरूम की शुरुआत की गई। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, उसमें सुधार होगा और इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। अभी तक जो हमने वर्चुअल क्लास के माध्यम से 500 स्कूल को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है और आज लगभग 150 स्कूलों को जोड़ दिया गया है और आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर जो 350 स्कूल बचे हैं इनको भी हम जोड़ देंगे और इस फर्स्ट फेज में 500 स्कूलों को हमने जोड़ा है जो माध्यमिक के स्कूल हैं। प्रदेश के 500 राज्य माध्यमिक विद्यालय में वर्चुअल क्लासरूम की शुरुआत की गई। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, उसमें सुधार होगा और इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। अभी तक जो हमने वर्चुअल क्लास के माध्यम से 500 स्कूल को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है और आज लगभग 150 स्कूलों को जोड़ दिया गया है और आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर जो 350 स्कूल बचे हैं इनको भी हम जोड़ देंगे और इस फर्स्ट फेज में 500 स्कूलों को हमने जोड़ा है जो माध्यमिक के स्कूल हैं। प्रदेश के 500 राज्य माध्यमिक विद्यालय में वर्चुअल क्लासरूम की शुरुआत की गई। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, उसमें सुधार होगा और इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। अभी तक जो हमने वर्चुअल क्लास के माध्यम से 500 स्कूल को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है और आज लगभग 150 स्कूलों को जोड़ दिया गया और आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर जो 350 स्कूल बचे हैं इनको भी हम जोड़ देंगे और इस फर्स्ट फेज में 500 स्कूलों को हमने जोड़ा है जो माध्यमिक के स्कूल हैं। प्रदेश के 500 राज्य माध्यमिक विद्यालय में वर्चुअल क्लासरूम की शुरुआत की गई। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, उसमें सुधार होगा और इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। अभी तक जो हमने वर्चुअल क्लास के माध्यम से 500 स्कूल को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है और आज लगभग 150 स्कूलों को जोड़ दिया गया है और आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर जो 350 स्कूल बचे हैं इनको भी हम जोड़ देंगे और इस फर्स्ट फेज में 500 स्कूलों को हमने जोड़ा है जो माध्यमिक के स्कूल हैं। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।